हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे दाल के वड़े, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो पोष बड़े का महीना शुरू हो गया है, तो अब हम बनाने जा रहे हैं बड़े। तो यहाँ पे मैंने चमली की दाल ली है, इसको रात में मैंने भिगो दिया था। अगर आप रात में नहीं भिगोते हैं तो इसे सुबह 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दें। ये अब भिग के अच्छे से तैयार हो गई। इसके मैंने छिलके अलग कर लिए हैं, ये देखिए इसको अच्छे से धो लिया है। इसमें छिलके नहीं है, बहुत थोड़े से छिलके रहे हैं। अब हम इसको पीस के तैयार करेंगे। हमें इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा ही पेस्ट बना के इसका तैयार करना है। तो अब हम इसको दाल को एक जार में डाल लेते हैं। तो पानी हम बहुत कम लेंगे, पानी हम इसमें इतना ही डालेंगे कि भाई दाल हमारी अच्छे से पिस जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दाल ले ली है। तो ये हमारा दाल का पेस्ट बनके रेडी हो गया है। ये बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, और इसको हमें बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। अगर हम पकौड़ी बनाते समय हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगता है तो हम इसमें बाद में पानी ऐड कर लेंगे। तो ये अभी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है, तो अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो अब हम इसमें वापस से दाल ऐड करेंगे। हमने पहले लाल मिर्ची डाल दी है, तो अब हम इसमें एक हरी मिर्ची डाल के इसको पेस्ट बना के इसमें ही तैयार कर लेंगे। तो अब हम इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो ये पीस के हमारी दाल रेडी हो चुकी है। इसको भी हम उस मिक्सचर के साथ में मिक्स कर देंगे। तो सेम प्रोसेस से हमें बाकी की सारी दाल को पीस लेना है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह की रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, पकौड़ी अच्छी नहीं बनेगी। सो ये सारी दाल पिस के रेडी हो चुकी है, देखिए इसकी कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी, बिल्कुल दरे दरे सी। तो ये हमारा दाल का पेस्ट बनके रेडी हो गया है। ये बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, और इसको हमें बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। अगर हम पकौड़ी बनाते समय हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगता है तो हम इसमें बाद में पानी ऐड कर लेंगे। तो ये अभी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है, तो अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो अब हम इसमें वापस से दाल ऐड करेंगे। हमने पहले लाल मिर्ची डाल दी है, तो अब हम इसमें एक हरी मिर्ची डाल के इसको पेस्ट बना के इसमें ही तैयार कर लेंगे। सो ये सारी दाल पिस के रेडी हो चुकी है, देखिए इसकी कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी, बिल्कुल दरे दरे सी। तो हम सारी दाल को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसको अच्छे से फेंट लेंगे। इस तरह से हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए करेंगे। अभी हम चम्मच से मिला लेंगे, उसके बाद में हम हाथों की सहायता से इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फेंटेंगे, जिससे कि जो हमारे बड़े बनेंगे वह बहुत अच्छे बनेंगे। अब हम दाल में बाकी के सामान ऐड करते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच सौंफ, हींग, अदरक को हम इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे, हरी मिर्ची इसमें हमने साथ में ही पीस दी थी दाल के, तो इस तरह से हमने इसमें अदरक को ग्रेट करके डाल दिया है। इसमें डाल देंगे हम गरम मसाला। इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इससे पकौड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसके सबसे लाइन में हम डाल देंगे नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करें। इन सब सामानों को डालने के बाद में हम दाल को अब अच्छे से कम 5 मिनट के लिए अच्छे से फेंटेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें एक ही डायरेक्शन में दाल को डायरेक्ट लगातार चलाते रहना है। दाल हमारी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की रहनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा इसको बारीक पेस्ट बना के भी हमें तैयार नहीं करना है। अगर आप इस प्रोसेस से दाल के बड़े बनाएंगे तो आपके दाल के बड़े बहुत ही क्रिस्पी और एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो आप एक बार इस प्रोसेस से दाल के बड़े बना के ज़रूर ट्राई करें। तो ये यहाँ पे मैंने इसे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फेंक दिया है। ये दाल हमारी अच्छे से रेडी हो गई है। तो अब हम चलते हैं इसके बड़े बनाने के प्रोसेस में। तो बड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। सबसे पहले हमारा तेल अच्छे से गरम होना चाहिए। अगर हमारी दाल अच्छे से फेटी भी होगी तो हम जो तेल में बड़े डालेंगे वो नीचे तले में चिपकेंगे नहीं, और ये देखिए इस तरह से ऊपर उठ के आ जाएंगे। बस बड़ों को बनाने से पहले ये जब भी हम दाल की कोई भी पकौड़ी बनाते हैं तो तेल हमारा अच्छे से गरम होना चाहिए, नहीं तो जो पकौड़ियाँ तेल को पी जाती है और उतना अच्छा टेस्ट नहीं देती हैं।
अब हम इन बड़ों को तेज़ आँच पे ही फ्राई करेंगे, धीमी आँच नहीं करेंगे। धीमी आँच करते ही पकौड़ियों में तेल अंदर चला जाएगा। तो अब हम इसे तब पलटेंगे जब इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा। तो अब हम इनको अभी तक टच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर टच कर दिया तो ये हमारी पकौड़ियाँ बिखर जाएगी। तो अभी इनका पकौड़ियों का कलर देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया और ये थोड़ी सी फूल भी गई है। तो अब इनको हम थोड़ा सा पलट लेते हैं, चला लेंगे इनको थोड़ा सा। तो आज मैं आपको दो तरीके से बड़े बनाना बताऊँगी। एक तो आप इस तरह से बना सकते हैं, तो उसको तेज़ आँच पर हमें फुल तलना है। और ये देखिए एक ही प्रोसेस है जिसमें हम बड़े अच्छे से सेक के हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सारे बड़ों को हम इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। दूसरे प्रोसेस में भी हम बिल्कुल पूरा फ्राई नहीं करेंगे, उनको हम आधा ही फ्राई करेंगे। देखिए थोड़ा सा बड़ों का कलर चेंज होते हैं, हम उनको निकाल लेंगे। निकालने के बाद में हम एक प्लेट पर रखेंगे और इस तरह से उनको हल्के से प्रेस कर देंगे, मतलब कि बड़ों को हम चपटा कर देंगे। जो हमने पकौड़ियाँ निकाली हुई थी तो उनको इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे पकौड़ियों को इस तरह से फ्लैट कर लिया, तो उनको हम वापस से फ्राई करेंगे। तो आप इन दोनों प्रोसेस से आप बड़े बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। तो ये देखिए इनका कलर वापस से चेंज हो गया, ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो आप दोनों प्रोसेस से एक बार बड़े बना के ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो पोस के महीने में राजस्थान में ख़ास तौर पर ये बड़े बनाए जाते हैं और इसे पोस बड़ा कहते हैं। आपको कौन से तरीके से बड़े बनाना ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। तो बाकी के बड़े भी हम सेम प्रोसेस से ही बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे बड़े बना के तैयार कर लिया है। पोस बड़ों को मैंने यहाँ पे दाल के हलवे और हरी चटनी के साथ में सर्व किया है। तो आप इसे बना के ज़रूर ट्राई करें और गर्मा गर्म परोसें। और मुझे प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।